संभल पुलिस ने 5 दिन पहले दिन दहाड़े हुई 2 लाख रुपए की लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने लूट करने वाले 25,000 के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1,59,500 रुपए की नकदी और अवैध असलाह साथ में 2 बाइक भी बरामद की हैं। पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने घटना का खुलासा किया है। बता दें कि 8 दिसंबर को आसमोली थाना इलाके में दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने एक शख्स से 2 लाख रुपए की नकदी लूटी थी, जिसके बाद लुटेरों को गिरफ्तारी के लिए एसपी संभल चक्रेश मिश्रा ने एसओजी और सर्विलांस की टीम को लगाया था, जिसके बाद आज पुलिस ने गांव रतुपुरा के पास से 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस क्षेत्र अधिकारी संभल जितेंद्र कुमार ने घटना का खुलासा करते हुए बताया है कि लूट की घटना को अंजाम देने वाले दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर इनकी निशानदेही से 1,59,500 रुपए की नकदी बरामद की गई है। वहीं अवैध असलाह और घटना में प्रयोग 2 बाइकें भी बरामद की हैं, जबकि इनका एक अन्य साथी मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। सीओ ने बताया है कि ये लोग वारदात से पहले रेकी करते थे और उसके बाद लूट करके गायब हो जाते थे। बैंक में 2 लाख रुपए लेने के लिए गया, इनके द्वारा अभियुक्त के द्वारा रेकी करने के बाद वादी से 2 लाख रुपए लूटे गए। उसके उपरांत एसपी द्वारा टीम गठित करने के उपरांत टीम के द्वारा सीसीटीवी द्वारा और मुखबर के द्वारा बदमाशों का आइडेंटिफाई किया गया। आइडेंटिफाई करने के बाद एसपी द्वारा 25,000 के तीनों अभियुक्त पर मुकदमा इनाम पंजीकृत कराया गया। आज 13/12/2021 को मडन तिराई पर रतुपुर तिराई के पास ये घटना के अंजाम देने के लिए आए हुए थे। मुखबर द्वारा सूचना मिली, पुलिस द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के उपरांत इनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और उसके जो रुपये बरामद 1,59,000 रुपये बरामद किए गए। घटना को अंजाम देने वाले लुटेरों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। वहीं गिरफ्तार लुटेरों पर विभिन्न थानों में दर्जन भर से अधिक लूट आदि के मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई कर न्यायालय भेज दिया गया है। इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए संभल से सनी गुप्ता की रिपोर्ट।